हाय सखीज, वेलकम टू सखी ब्यूटी पॉइंट। आज के वीडियो में मैं ये बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा का फेशियल शेयर करने वाली हूँ, जो कि टैन रिमूवल एंड क्लियर यंग स्किन फेशियल है। यह एक एंटी टैन फेशियल किट है और इसमें 6 स्टेप हैं। इसके साथ एक गिफ्ट है, स्विच मैजिक का डार्क स्पॉट करेक्टर, वो 15 ग्राम का फ्री है। और इसके पीछे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, मसाज के सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। और इसका प्राइस 250 है, पर अगर आप इसे ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको 10-20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें इसके कौन कौन से 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप है क्लेंजिंग का, दूसरा स्टेप है स्क्रब का, और तीसरा स्टेप है मसाज लोशन है, और ये चौथा स्टेप है पैक का, और पांचवा स्टेप है सिरम यानी कि मॉइस्चराइज़र का, और छठा स्टेप ये बायोटिक का स्विस मैजिक डार्क स्पॉट करेक्टर है। आप फेशियल करने के बाद इसे अगर दिन में 2 बार लगाएंगे तो आपके फेस पे जो दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू कर हो जाएंगे। तो चलिए आज का फेशियल स्टार्ट करते हैं क्लेंजिंग से। तो सबसे पहले हमने फेस को क्लीन करना है। हम फेस को क्यों क्लीन करते हैं? क्योंकि हम जब भी बाहर से आते हैं तो हमारे फेस पे बहुत सारा धूल डस्ट जमा होता है, और अगर हम फेशियल मसाज ऐसे ही शुरू कर देंगे तो सारी धूल डस्ट हमारे स्किन के अंदर चली जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है फेस को क्लीन करने का। हम फेस को क्लीन कर देते हैं तो सारे धूल डस्ट निकल जाते हैं। उसके बाद बारी आती है स्क्रबिंग की। स्क्रब दानेदार होता है और ये फेस के डेड स्किन को निकालता है, जिससे कि हमारी स्किन मसाज के लिए तैयार हो जाती है। फेस के ऊपर की जितनी डेड स्किन होती है स्क्रब के द्वारा वो रिमूव हो जाती है, और हमारी स्किन क्रीम से मसाज करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है, तैयार हो जाती है। और जब हम स्क्रब के बाद क्रीम से मसाज करते हैं तो वो क्रीम अंदर तक जाकर फेस को ग्लोइंग बनाती है, चमकदार बनाती है, और हमारा फेस यंग दिखता है। हमारे कोलेजन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगता है, जिससे कि फेस पे रिंकल्स, झुर्रियाँ ये सब आनी कम हो जाती हैं और हमारा फेस ग्लोइंग दिखने लगता है। स्क्रब का मसाज हमें 2-3 मिनट तक करना चाहिए, और स्क्रब करते समय हमें आँखों पे स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आँखों की स्किन सेंसिटिव होती है। बीच बीच में आप पानी या रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। आपके हाथ मसाज करते समय ड्राई नहीं होने चाहिए। अभी स्क्रब का ख़त्म हो गया स्टेप। अब मैंने यहाँ पे कोल्ड कंप्रेशर दिया है, तो आप भी इस तरह से ठंडे पानी से फेस पे टॉवल रखकर, ठंडे पानी में टॉवल को भिगोकर फेस पे रख के कोल्ड कंप्रेशर दे सकते हैं। गर्मियों का मौसम है, कोल्ड कंप्रेशर देने से स्किन रिलैक्स होती है और फेसियल फेस पे ग्लो आ जाता है। और अब हम शुरू करेंगे मसाज। तो यहाँ पे हम बायोटिक का मसाज लोशन लेकर पूरे फेस की मसाज करेंगे। मसाज फेस के साथ साथ हम नेक की भी करेंगे। बायोटिक की ये फेसियल मसाज की जो लोशन क्रीम है वो वाटर बेस्ड है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी नहीं है। ये वाटर बेस्ड है यानी कि बिल्कुल लाइट है, जो कि गर्मियों के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है। इस टैन रिमूवल फेशियल किट से फेशियल बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आजकल गर्मियों का मौसम है और सबकी स्किन में टैनिंग हो रखी होती है, तो इस फेशियल को करने के बाद आप अपने फेस को टैन से छुटकारा दिला सकते हैं। जो भी टैनिंग हो जाती है सन से, इस फेशियल के द्वारा वो टैनिंग निकल जाती है। पर ऐसा नहीं है कि आप ये फेशियल एक बार करेंगे तो आपकी टैनिंग निकल जाएगी, आपको 2-3 सेटिंग लेनी पड़ेगी।
नेक के साथ साथ नेक के नीचे के हिस्से की भी आप मसाज करें। हाथों के प्रेशर का ध्यान रखें और अब मसाज गर्दन की। मसाज बहुत जेंटल हाथों से धीरे धीरे करें जिससे कि स्किन रिलैक्स होती चली जाए। फेशियल का पर्पस स्किन को रिलैक्स करना होता है। स्किन रिलैक्स होती है तो कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है, टिश्यू रिपेयर होते हैं और क्रीम अंदर तक जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है मसाज से और हमारी स्किन यंग दिखने लगती है, हमारी स्किन की त्वचा जो है वो चमकदार हो जाती है। फॉरहेड की मसाज भी करें। गालों की मसाज, फॉरहेड की मसाज, जॉ की मसाज, गालों को अपलिफ्ट करें धीरे धीरे, प्रेशर पॉइंट्स सारे लेते चले जाएं। ईयर की मसाज, आईज की मसाज बहुत जेंटल हाथों से करें। मसाज करते करते सारी क्रीम को आप स्किन के अंदर एब्सॉर्ब करा दें। नोज की मसाज के साथ साथ यहाँ चिन की भी मसाज की जा रही है और प्रेशर पॉइंट्स भी लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में सारे मसाज के स्टेप्स बताए हैं। आँखों की मसाज बहुत धीरे धीरे करें। उंगलियों से आँखों को बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें और फिर आप उंगलियों से वाइब्रेशन भी दे सकते हैं। अब ये मसाज कंप्लीट होने वाली है। ऑलमोस्ट पूरी क्रीम एब्सॉर्ब हो गई है स्किन में और स्किन का ग्लो आप देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर इस किट का रिज़ल्ट अच्छा है। आप इस किट को अपने फेशियल के लिए इस गर्मी में यूज़ कर सकते हैं। बायोटेक एक बहुत बड़ी ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट आयुर्वेदिक होते हैं।
हमारा मसाज यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम फेस से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को निकालते हैं। इस तरह से हल्के हाथों से दबा दबा के सारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आप निकाल दें, जिससे कि स्किन बहुत चिकनी और साफ़ सुथरी हो जाएगी। ब्लैक हेड और वाइट हेड निकाल देने से स्किन बहुत चिकनी और साफ़ सुथरी सी हो जाती है और फेसियल का इफ़ेक्ट भी नज़र आता है। आप नोज़ पे और चिन पे ज़्यादा ब्लैक हेड या वाइट हेड होते हैं तो आप नोज़ और चिन को क्लीन कर दें। पिंपल्स हो तो आप उसको ना फोड़ें। उसके बाद बारी आती है पैक की। आप चाहें तो पैक को ब्रश से लगाएं या फिर हाथों से लगाएं। फेस को क्लीन कर लें और उसके बाद पैक लगाना शुरू करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर ज़रूर लिख के भेजें। कमेंट्स कैसे भी हो, पढ़कर पता चलता है कि आप लोगों को हमारा काम कितना पसंद आ रहा है और आप इससे क्या सीख पा रहे हैं। जो भी वीडियो देखनी हो अगली तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। 10 मिनट के बाद पैक को सूख जाए तो उसको हटा दें। हटाने से पहले पूरे फेस को अच्छे तरह से गीला करें। डायरेक्ट पैक को ना हटाएं, पूरे फेस को गीला करके हाथों से एक हल्की सी मसाज दे दें। उसके बाद पैक को आप टिश्यू पेपर से पोंछ दें। उसके बाद स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आप रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं और अंत में आप सिरम लगा दें। बायोटेक का ये सिरम है, जो लास्ट में लगाया जाएगा। और उसके बाद फिर आपको अगर बाहर निकलना है तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं।